एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए फिर से ऐसे यूनिक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपके भी मुंह में आ जाएगा पानी। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और इसी तरीके के टेस्टी और यूनिक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो घर पर हम अक्सर इडली डोसा बनाते ही हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, लेकिन जब उसका बैटर बच जाता है तो फिर से आप वही इडली डोसा सबको खिला देते हैं। लेकिन आज हम बिल्कुल नया नाश्ता लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बचा हुआ इडली का बैटर या फिर डोसे का बैटर लेना है। इसके लिए हमें एक तड़का तैयार करना है जिसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। इसे अच्छे से तड़कने देना है और साथ ही इसमें डालना है 2 टेबल स्पून नारियल का बूरा। आप यहाँ पर फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, कद्दूकस किया हुआ, और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए, अच्छे से भूनने से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी क्योंकि नारियल जैसे ही भूनता है उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही इसकी भुनाई होगी हमें इस तड़के को डालना है हमारे बैटर के अंदर। और देखिए यहाँ पर जो हमारा बैटर है, ये तो आपके पास जितना भी बैटर हो उससे आप ये नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी लगता है। इस तड़के को हमें डाल देना है इस बैटर में और अब हमें इसे मिक्स करना है। देखिए, ध्यान रखिए कि जो आपका बैटर है उसमें फर्मेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब वो अच्छा फुला हुआ होना चाहिए। अगर फ्रिज में आपने रखा है तो उसे निकाल कर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और उसमें थोड़ा सा आप सोडा डाल दीजिए ताकि अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए, अब हमने तड़के को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे डालेंगे तवे में, लेकिन डालने का तरीका थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है, इस पर हमें थोड़ा सा तेल या घी से ग्रीस करना है और चम्मच से इसके छोटे छोटे कॉइंस डालने हैं। बहुत आसान है इस तरीके से डालना, लेकिन मैं आज यहाँ पर इसे पाइपिंग बैग में डालकर इसे डालूंगी ताकि फटाफट ये हमारा काम हो जाए। तो देखिए, जैसे ही ये एक साइड से सिक जाएगा हमें इसे पलट देना है, बिल्कुल जैसे हम उत्तपम बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसका टेस्ट और जायका थोड़ा अलग है क्योंकि आगे हम इस नाश्ते को थोड़ा सा और एक नया ट्विस्ट देंगे। तो देखिए, चम्मच से आपको मैंने दिखा दिया है कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप चम्मच से इस तरीके से इसे बना सकते हैं और इसे यूँ ही चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ले लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी रिफिल पैक बैग ले सकते हैं, जिपलॉक बैग, उसमें भी डालकर ये प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसे फिल कर लिया है पाइपिंग बैग में और देखिए, अब हम इसे डालेंगे तवे पर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप से बनेंगे और बहुत सारे आप एक ही बार में बना लेंगे, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा और आसानी से ये नाश्ता बन जाएगा। एक साइड से सिकने के बाद हमें इसे पलट देना है और इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। लगभग इस कॉइन को बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे और सिकने के लिए भी इसे लगभग 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। तो देखिए, एक साइड से जैसे ही सिक जाएगा ना, आपको इसे पलट देना है, दूसरी साइड भी आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेना है और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे कॉइन्स को पलट दिया है और अगर आपके पास डोसे का या फिर इडली का बैटर नहीं है तो आप इसे सूजी से भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने दोनों साइड से इसे अच्छे तरीके से कलर आने तक फ्राई कर लिया है और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे कॉइन्स रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे इसके लिए एक सॉस बनाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कढ़ाई में हमें लेना है सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हमें इसमें डालना है कटा हुआ लहसुन, ये 3 से 4 कर लिया है, और साथ ही एक लाल सूखी मिर्च जिसे मैंने तोड़ कर डाला है। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि जो गार्लिक का कच्चा फ्लेवर है वो हट जाए। अब हमें इसमें डालना है प्याज और शिमला मिर्च। तो मैंने आधी शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, इसे बारीक फाइन चॉप किया है और अब हम इसे भी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें फ्राई होती है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि हमने इसमें गार्लिक भी डाला है, फिर प्याज और शिमला मिर्च भी है। अब इसमें डालेंगे हमारे स्वाद अनुसार नमक, लेकिन नमक आपको बिल्कुल थोड़ा डालना है क्योंकि जो हम आगे सॉसेस डालेंगे उसमें नमक होते हैं। नमक डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम
लगभग 3 टेबल स्पून टमेटो केचप, साथ ही डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ये चिली सॉस है। अगर आपको चिली सॉस नहीं डालना है तो आप इसमें सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे हमने लिया है आधे कप से थोड़ा कम दही और इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है और फेंट कर आपको इसे डालना है हमारे ग्रेवी के अंदर जो हमने प्याज और जो शिमला मिर्च केचप डालकर जो बनाई है। अगर आपको दही नहीं डालना है तो आप पानी डालिए और उसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालिए। तो देखिए फेटी हुई दही डालने से अब ये जो हमारी सॉस है थोड़ी सी पतली हो जाएगी, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है अच्छे से कोट हो जाएगा इसमें और एक बहुत ही क्रीमी सॉस बनकर तैयार होगी। तो आपको दही डालकर इसे 5 मिनट के लिए भूनना है हाई फ्लेम पर, उसके बाद इस नाश्ते को डाल देना है इसके अंदर और इसे हाई फ्लेम पर आपको 5 से 6 मिनट के लिए इसे टॉस करना है ताकि जो सॉस है वो सारे नाश्ते के ऊपर अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना बेहतरीन ये नाश्ता लग रहा है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, आप खुद ही कहेंगे कि बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल नया नाश्ता है। ट्राई ज़रूर करके देखिए और रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।